नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव वर्मा। स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है संजीव टेक्निकल। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं पिछली वीडियो में कि मैं आपको रेलवे टिकट बुक करना के बारे में बताऊंगा, तो फाइनली मैं वो वीडियो बना रहा था। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाकर सर्च बार में टाइप करना पड़ेगा IRCTC। जी हाँ दोस्तों, IRCTC रेलवे की एक वेबसाइट है और उन्होंने ऐप भी निकाला हुआ है जो कि प्ले स्टोर पर मौजूद है। तो आप प्ले स्टोर पर जाकर इसको डाउनलोड कर लीजिए। और उसके बाद मैंने पहले से इंस्टॉल किया हुआ है तो मैं इसको ओपन कर लूँगा। ओपन करने के बाद ऐसा कुछ स्क्रीन आ जाएगी इसकी। ट्रेन टिकट पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। इसके बाद देखिए, मेरा अपना लॉगिन करने के बाद यूज़र को वेरीफाई करेगा सिस्टम और उसके बाद इसकी ऐप ओपन हो जाएगी। आपने कहाँ से कहाँ तक जाना है उसकी डिटेल भर देंगे। तो जैसे मैंने पटियाला में रहता हूँ तो मैं पटियाला भर दूँगा। उसके बाद आपने कहाँ तक जाना है उसकी डिटेल भर देंगे। तो मैं इसमें जम्मू भर देता हूँ। तो जम्मू भरने के बाद मैंने 10 जुलाई को अपनी जर्नी डेट सेलेक्ट कर दी है। नो डायरेक्ट ट्रेन, तो पटियाला से जम्मू कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं जाती तो इस वजह से वो कोई ट्रेन शो नहीं कर रही। तो मैं इसमें जम्मू की जगह अमृतसर भर दूंगा। तो अमृतसर 10 जुलाई सर्च ट्रेन, तो देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए CSMT ASR एक्सप्रेस 1157 ये ट्रेन शो कर रही है यहाँ पे। और इसमें अगर हम देखें तो इसमें सेकंड AC, थर्ड AC और स्लीपर कोचेस इसमें मौजूद हैं। तो इसमें सबसे पहले स्लीपर में देख लेंगे, इसमें सीटें अवेलेबल हैं। ये जो ग्रीन इसमें अवेलेबल लिखा हुआ है इसका मतलब आपको सीटें मिल सकती हैं। और थर्ड AC में भी सीटें अवेलेबल हैं, ये देखिए। पर इसका फेयर ज़्यादा है, 495 रुपये, और स्लीपर का 180 रुपये है। और अगर सेकंड AC का देखें तो इसमें किराया 700 रुपये हो जाता है और इसमें भी कुछ सीटें अवेलेबल मिल सकती हैं आपको। तो और इसमें एक और चीज़ है कि इसमें आपको पूरा रूट बता देते हैं कि ये ट्रेन कहाँ से आ रही है और आपको बीच बीच में कौन से स्टेशन पड़ेंगे। तो ये दादर है और मुंबई से चलती है ये ट्रेन और अमृतसर की तरफ, मतलब जम्मू तक जाती है, अमृतसर तक जाती है सॉरी। तो ये देखिए, पटियाला, नाभा, धूरी, मलेरकोटला, लुधियाना होते हुए बसे जलंधर, अमृतसर। जी हाँ, जैसे मैंने अमृतसर जाना है तो यहाँ अमृतसर जंक्शन आ गया है। तो अभी हम इसमें स्लीपर की टिकट बुक करके आपको दिखाएंगे। तो मैंने सिलेक्ट कर लिया है 10 तारीख को, जिसमें 6 अवेलेबल सीट्स बता रहा है। तो इसमें मैं अपनी डिटेल भर दूंगा, पैसेंजर डिटेल। इसमें मैं अपना नाम भर देता हूँ और अपनी एज भर देता हूँ 30। जेंडर सेलेक्ट कर लेते हैं, मेल। और इसमें एक खासियत और है कि आप अपने हिसाब से सीट भी ले सकते हैं। आपको नीचे वाली चाहिए, बीच वाली चाहिए, ऊपर वाली चाहिए, साइड वाली चाहिए, तो मैंने नीचे वाली सेलेक्ट कर ली है, लोअर। और इसमें आप अपना मोबाइल नंबर भर देंगे जिससे कि आपको टिकट आपके मोबाइल पे ही सेंड कर दी जाएगी। और इसकी ज़रूरत तब पड़ती है जब कोई आपको ट्रेन में कोई टिकट मांग दिखाने को कहता है, जैसे TT वगैरह चेकिंग करने के लिए आते हैं, तो आप अपने मोबाइल से ही दिखा सकते हैं उनको। उसके बाद दोस्तों, ये देखिए, स्लीपर की 180 रुपये टिकट शो कर रही है नेट अमाउंट, और इसमें GST वगैरह इंक्लूड है। और चलिए, इसके बाद हम कैप्चा भर देते हैं इसमें। कैप्चा भर देते हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत ही यूज़फुल ऐप है। मैं हमेशा ही जब भी कहीं ट्रेन से जाना होता है तो इसी का इस्तेमाल करता हूँ ऐप का, और मुझे आज तक कोई दिक्कत नहीं आई। सो आप भी इसका इस्तेमाल करके देखें। वो कैप्चा फेल नहीं हो पाया तो दूसरा कैप्चा आ गया, 7QPJ। तो प्रोसेस टू पेमेंट पे कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस पर आपको 3 ऑप्शन आ गई, ई वॉलेट्स, भीम और पे ऑन डिलीवरी।
तो मैं इस पे पेमेंट इसकी डेबिट कार्ड से कर दूंगा। तो इसको मैं वीज़ा कार्ड डेबिट कार्ड को सिलेक्ट कर लूँगा, सबसे ऊपर वाला जहाँ पेटीएम लिखा हुआ है। तो अभी डेबिट कार्ड की डिटेल भर देते हैं, इस पे मैं कार्ड नंबर डाल देता हूँ। इसके बाद जो कार्ड की एक्सपायरी डेट होती है उसको डालना पड़ेगा, और जो आपका एक्सपायरी ईयर है कार्ड का उसको भी डालना पड़ेगा। और आपके कार्ड के पीछे 3 अक्षर लिखे हुए, 3 नंबर होते हैं, उनको भी डाल देंगे। तो इसके बाद हम प्रोसेस टू पे कर देंगे, और बाकी तो आप लोगों को मालूम ही होगा। उसके बाद आपको एक OTP आएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से जो बैंक में अटैच है, और उसको OTP वगैरह इस पे डाल के आप पेमेंट कंप्लीट कर देंगे, और आपको आपकी ईमेल आईडी